श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको पूज्य गुरुजी कथा सुनकर कुछ ऐसे नियम बताएंगे जो आपको झाड़ू के साथ हमेशा करते रहने चाहिए। साथ ही खराब हो गई झाड़ू को फेंकने से पहले आपको कौन से दिन झाड़ू को फेंकना चाहिए, कौन से दिन आपको झाड़ू को घर में लाना चाहिए, पूरा डिटेल में आज हम आपको पूज्य गुरुजी कथा सुनकर बताने जा रहे हैं। दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख देना, जिससे कि आपकी जो भी कामना, जो भी आपकी मनोकामना जल्दी से पूरी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू से घर की सफाई होती है, वहीं इसे पूजा भी जाता है। यह हमारे घर में पैसों की कमी को पूरा कर उसे धन धान्य और सुख शांति से पूरा कर सकता है। लेकिन जब झाड़ू पुरानी हो जाती है तो उसे फेंक देते हैं। लेकिन बता दें कि गलत तरीके से झाड़ू को फेंकने से परेशानी हो सकती है। ऐसे में लोगों को झाड़ू से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों का पता होना ज़रूरी है। आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर है, पुरानी झाड़ू किस दिन और कहाँ फेंकें। घर में रखी झाड़ू धन धान्य और सुख शांति का प्रतीक होती है। माना जाता है कि यदि आप अपने घर में झाड़ू सही ढंग से रखते हैं, किसी शुभ दिन उसे खरीद कर घर लाते हैं, तो देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहती है और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है, क्योंकि शास्त्रों में झाड़ू को देवी लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए झाड़ू का सही ढंग से प्रयोग बहुत ही जरूरी बताया गया है। आज हम आपको झाड़ू से जुड़ी वो सभी बातें बताने जा रहे हैं जिनको जानना आपके लिए और आपके घर के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, ज्योतिष और शास्त्रों में माना गया है कि घर की पुरानी झाड़ू को आपको शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के बाद या ग्रहण के बाद अपने घर से निकाल देना चाहिए। साथ ही झाड़ू को हमेशा उसी जगह पर फेंकना चाहिए जहाँ कोई अन्य व्यक्ति उसके ऊपर पैर ना रख सके। यदि आप इनमें से किसी भी दिन पुरानी या टूटी झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं तो ऐसा माना जाता है कि घर में व्याप्त दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियाँ भी उस झाड़ू के साथ आपके घर से दूर चली जाती हैं और घर में सकारात्मकता का वास होता है। झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, जिससे हम घर की अलक्ष्मी या दरिद्रता को घर से दूर करते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जिनके घरों में साफ सफाई रहती है वहाँ का वातावरण पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने घर से झाड़ू को एकादशी, गुरुवार, शुक्रवार और लक्ष्मी पूजन के दिन बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस दिन झाड़ू को अपने घर से निकालते हैं तो माता लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं और घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। यदि आपके घर में पुरानी झाड़ू है तो वास्तु और ज्योतिष के अनुसार शनिवार के दिन के साथ आप होलिका दहन के बाद, ग्रहण के बाद और अमावस्या के दिन झाड़ू को निकाल सकते हैं। पुरानी झाड़ू को या टूटी झाड़ू को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत माना जाता है, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। झाड़ू को फेंकते समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना है। ऐसे में आप ऐसे स्थान पर फेंकें जहाँ कोई भी व्यक्ति झाड़ू के ऊपर पैर ना रख सके। व्यक्ति को झाड़ू को नाले में या किसी पेड़ के पास भूल कर भी नहीं फेंकना चाहिए। व्यक्ति को झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, झाड़ू को जलाने से धन हानि हो सकती है। पुरानी झाड़ू व्यक्ति को भूल कर भी एकादशी, गुरुवार, शुक्रवार के दिन नहीं फेंकनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु एवं शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में यदि इस दिन झाड़ू फेंकेंगे तो माँ लक्ष्मी गुस्सा हो सकती हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी जी की कृपा नहीं बरसती। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी भूल कर भी पैर न लगाएं और ना ही उसे लांघें। शास्त्रों में झाड़ू का इतना बड़ा महत्व है कि शीतलता प्रदान करने वाली माता शीतला भी अपने हाथों में झाड़ू लिए रहती हैं। इसलिए कोशिश करें कि झाड़ू का अपमान ना होने दें, टूटी या बिखरी झाड़ू को घर में ना रखें। शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि टूटी या बिखरी हुई झाड़ू में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। इसलिए कभी भी
टूटी या बिखरी हुई झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए। जब भी झाड़ू बहुत पुरानी हो या टूटने लगे तो उसे तुरंत ही किसी शुभ दिन पर बदल देना चाहिए। माना जाता है कि टूटी हुई झाड़ू के नकारात्मक प्रभाव से घर में परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। घर के लिए नई झाड़ू खरीदने का दिन बेहद मायने रखता है, इसलिए ये ध्यान रखें कि नई झाड़ू कृष्ण पक्ष में खरीदना शुभ होता है, जबकि शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू दुर्भाग्य का कारण बनती है। मंगलवार, शनिवार, रविवार और अमावस्या का दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे शुभ होते हैं। कहा जाता है कि शनिवार या अमावस्या के दिन घर में नई झाड़ू लाने से घर हर तरह से दोष मुक्त हो जाता है और घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। जब भी कोई घर से बाहर निकले तो उसके बाहर जाते ही झाड़ू ना लगाएं। ऐसा माना जाता है कि तुरंत झाड़ू लगाने से कार्य में सफलता नहीं मिलती। पुरानी और टूटी हुई झाड़ू को घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूटी और पुरानी झाड़ू देर घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में और शुक्रवार के दिन ही खरीदें। नए झाड़ू का इस्तेमाल हमेशा शनिवार के दिन से ही करें। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए झाड़ू से जुड़े ये नियम अच्छे लगे हों और आपको समझ आ गए हों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए नए नए उपाय, नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।